हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस? आई होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेटर होंगे। आई एम किशन झा, यू आर वाचिंग इन योर यूट्यूब चैनल के झा टिप्स एंड ट्रिक्स। गाइस, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि ज्ञान बस का फेस 3 का लुक कैसा रहेगा। आज मैं आपको कुछ डेमो लुक दिखाने वाला हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि फेस 3 का न्यू लुक कैसे आने वाला है, ज्ञान बस का फेस 3 दिखने में कैसा रहेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ज्ञान बस का हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑन करने से फायदा यह मिलेगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख लेंगे। तो ज्ञान बस के हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब दिस माय YouTube चैनल। तो गाइस, आज बात करने वाले हैं ज्ञान बस के फेस 3 का न्यू लुक कैसा रहेगा। डेमो में कुछ लुक मैं आपको दिखाने वाला हूं कि फेस 3 में जो भी चीजें लॉन्च होंगी वो आप कैसे यूज करोगे। अगर आपको पहले से ही पता होगा तो आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्ञान बस में बिल्कुल एडवांस लीडर्स और मेंबर्स बने रहे और आपका पूरा टीम भी बिल्कुल एडवांस बने रहे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आज आपको काफ़ी चीज़ें पता चलने वाली हैं जो कि ज्ञान बस में फेस 3 में लॉन्च होने वाला है, कंपनी लॉन्च करने जा रही है। तो आपको पहले से पता रहना चाहिए कि किस तरीके से आपको फेस 3 में लॉन्चिंग हो रहे सारे फंक्शन, सारे फीचर्स को आपको वर्क कैसे करना है। तो वो चीज़ आज आप सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं ज्ञान बस के फेस 3 दिखने में कैसा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट इट गाइस। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कंपनी का सबसे लेटेस्ट अपडेट ऑटोफुल का, क्योंकि कंपनी में अब ऑटोपुल स्टार्ट होने वाले हैं। लीडर्स मेंबर्स की 10 गुनी से ज़्यादा इनकम बढ़ने वाले। सबसे पहले बात करने वाले हैं कंपनी ने जो आपको ऑप्शन देने जा रहा है आपकी अर्निंग का, ऑटोपुल का। तो जानेंगे कि ऑटोपुल में आपकी टीम क्या कैसे होगी। तो सबसे पहले जानते हैं माय ऑटोपुल टीम। कंपनी ने एक सेक्शन बनाया जिसमें आपको अपने ऑटोपुल की टीम दिखेगी पूरे 7 लेवल तक। तो जानिए आपका ऑटोपुल में टीम कैसा रहेगा। ऑटोपुल में टीम देखने के लिए कंपनी ने मेन्यू में एक सेक्शन दे देगा आपको माय ऑटोपुल टीम। जैसे आप लोग माय ऑटोपुल टीम वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इस तरीके के इंटरफेस में आपको पूरे 1 से 10 लेवल तक आपको ऑटोपुल का टीम देखने को मिल जाएगा फुल डिटेल में। आप पूरे 1 से 10 लेवल तक अपने ऑटोपुल के टीम देख सकते हैं माय ऑटोपुल टीम वाले सेक्शन पे क्लिक करके। जैसे माय ऑटोपुल टीम वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे पूरे 10 लेवल तक आपको अपने ऑटोपुल के टीम देखने को मिल जाएगा। एग्जांपल फॉर जैसे कि लेवल 1 में सामने व्यू का सेक्शन दिया गया था, लेवल 1 देखना चाहते थे, व्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे आप अपने फर्स्ट लेवल के ऑटोपुल के टीम को देख सकते हैं। ऐसे पूरे 10 लेवल तक आप जो है व्यू करके अपने पूरे 10 लेवल तक के ऑटोपुल के टीम को देख सकते हैं। कंपनी ने ऑटोपुल का एक नया सिस्टम रखा है जिसमें लीडर्स को बेटर देन इनकम होने वाला है, काफी बेहतरीन इनकम लोग जो यहां पे ऑटोपुल से कमाएंगे। तो ऑटोपुल के 1 से 10 लेवल तक का आप टीम आप यहां पे देख सकते हैं। हर लेवल के आगे में व्यू का सेक्शन है, आप व्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने में अपना जो है लेवल के फुल डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल से लेकर 10 लेवल तक आप अपने पूरे लेवल के 10 लेवल तक का फुल डिटेल आप देख सकते हैं कि आपके हर लेवल से किस तरीके से ऑटोपुल का इनकम आपको आ रहा है, ऑटोपुल का सिस्टम कैसे आपको जनरेट कंपनी कर रही है, ऑटोपुल का सिस्टम कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे आपको ऑटोपुल मिल रहा है। पूरे 1 से 10 लेवल तक आप जो अपने ऑटोपुल के टीम को देख सकते हैं। अब सबसे बेटर अपडेट आपको दिखा रहा हूं कि आपको अपने फर्स्ट लेवल की टोटल इन्फॉर्मेशन कैसे दिखेगी। जैसे कि लीडर्स एंड मेंबर्स का डिमांड था कि मैं अपने फर्स्ट लेवल का A to Z इन्फॉर्मेशन नहीं देख पा रहा हूं, तो अब कंपनी ने आपके लिए सबसे सुपर एडवांस जो है फर्स्ट लेवल लुकिंग लेके आ चुका है, जिसमें आपको अपने टीम की फर्स्ट लेवल की A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि हर लीडर्स का फर्स्ट लेवल स्ट्रांग हुआ था उनका ऑटोमेटिक जो है 7वां लेवल तक वेरी स्ट्रांग हो जाएगा। तो फर्स्ट लेवल अगर आपका मजबूत है तो 7वां लेवल तक ऑटोमेटिक आपका मजबूत और एडवांस रहेगा। तो जानते हैं कि ज्ञान बस ने आपके लिए फर्स्ट लेवल का न्यू लुक कैसे रखा है। इसमें आप अपने फर्स्ट लेवल का A to Z इंफॉर्मेशन अपने मेंबर्स का देख सकते हैं। चलिए जानते हैं, आप लोग जैसे ही मेनू में आएंगे माय डायरेक्ट या फिर माय टीम वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपने फर्स्ट लेवल का टीम पे देखने के लिए क्लिक करेंगे, फर्स्ट लेवल वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा।
जैसे आप लोग जो अपना लेवल वन खोलेंगे, कुछ इस तरीके की कंपनी आपके सामने में इंटरफेस दे देगी। इसमें कंपनी आपको क्या बता रही है, मैं आपको यहाँ पे फुल्ली अपडेटेड रूप से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने मेंबर का ज्वाइनिंग डेट देखने को मिल जाएगा कि आपका मेंबर ने कब ज्वाइन किया है आपके टीम में। सबसे पहले आप उनका ज्वाइनिंग डेट दिख जाएंगे, ठीक है। आप उनका ज्वाइनिंग डेट अगर देख लेंगे तो आप फिर उनको कॉल करेंगे कि सर आपने इस डेट को ज्वाइन किया है, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही है तो कॉन्टैक्ट फॉर मी सर, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी फुल हेल्प करूंगा। तो सबसे पहले आप ज्वाइनिंग डेट देख लेंगे, उसके बाद आप अपनी टीम की एक्टिविटी देखेंगे, ठीक है। आपका टीम मेंबर एक्टिव है या फिर जो है डीएक्टिवेट है, ठीक है, एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। अगर वो इनएक्टिव है तो उनको आप कॉल करेंगे कि सर आप जो एक्टिव नहीं है, ज्ञानबस में एक्टिव हो जाइए, ज्ञानबस का ए टू जेड इन्फॉर्मेशन उनको बताएंगे, ठीक है। तो इससे वो क्या होगा कि वो थोड़े से सचेत होंगे और वो आपके साथ काम करने को एक्टिव हो जाएंगे। तो अगर आपका इनएक्टिव यूजर्स हैं तो आप उनको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन ज्ञानबस का देकर उनका जो है काम नहीं करने का रीज़न पूछ कर उनको एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगा आपका जो है डाउनलाइन कौन से पैक के अंदर है, फ्री है या फिर गोल्ड है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फ्री यूजर्स या फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि गोल्ड यूजर्स, ठीक है। अगर वो गोल्ड में अपनी आईडी को अपग्रेड करा चुके हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि वो गोल्ड यूजर्स हैं। अगर वो फ्री में काम करते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फ्री यूजर्स हैं। अगर वो फ्री यूजर्स हैं तो उनको एक बार कॉल करके गोल्ड प्लान के बारे में जरूर बताएं कि सर कंपनी का जो 10 तरीके का इनकम है उसे अगर आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ आप 499 से जो है आईडी को अपग्रेड कराइए और आप कंपनी के 10 तरीके की इनकम ले सकते हैं और आप यहाँ पे अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से आप चलेंगे, वो अगर हाँ बोलेंगे तो उनकी आईडी को अपग्रेड करवा देना, अगर वो ना बोलते तो फिर उनको फ्री यूजर से रहने देना, किसी भी तरीके की कोई प्रेशर नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद कंपनी यहाँ पे अब आपको दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट टीम और उनके साथ लेवल तक का टीम दिखेगा। आपके जो फर्स्ट लेवल का बंदा है उनका आप ये डिटेल भी देख सकते हैं कि उनके डायरेक्ट में कितने मेंबर्स हैं और फिर उनके फर्स्ट लेवल में कितने मेंबर्स हैं। ये चीज के नॉलेज होने से आप अपनी टीम पे एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं। यहाँ पे अब आप देख लो कि उनके डायरेक्ट में कितने टीम है, उन्होंने डायरेक्ट कितने बंदे को जोड़ रखा है, उनके साथ लेवल तक की टोटल टीम कितनी है। ये दो चीज़ आपको दिख जाएगी, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे फर्स्ट लेवल पे टॉप लीडर कौन है, बेटर लीडर कौन है, सबसे अच्छा वर्क कौन कर रहा है, ठीक है। तो आपको इनको उनको अच्छे से गाइड करना है, ठीक है, कि सर आपके डायरेक्ट में इतने बंदे, आपके साथ लेवल तक इतनी टीम बन चुकी है, आप अच्छे से काम करो, हमसे डायरेक्ट अटैच करो, मैं कंपनी के मैन ग्रुप में, कंपनी के ऑफिशियल ग्रुप में या कंपनी के हर अपडेट को मैं आपको बताऊंगा, फुल्ली अपडेट रहो, अगर अपनी पूरी टीम को भी अपडेट रखो। तो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा आपके फर्स्ट मतलब लेवल में जो भी लीडर्स मेंबर्स हैं उनके यानी कि डायरेक्ट टीम और फिर सात लेवल तक टीम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे कंपनी ने और यहां पे एक बेटर सिस्टम दे रखा है कि आप अपनी पूरी टीम की अर्निंग देख सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं टुडे टास्क डायमंड, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आज का उनका डायमंड कंपलसरी जो टास्क है वो कंप्लीट किए हैं कि नहीं किए हैं, आज का उनका डायमंड क्या है। जैसे कंपनी ने फेज थ्री में कंपलसरी कर दिया कि 5 डायमंड का टास्क आपको रोज़ देखना है, 5 डायमंड कम से कम आपको रोज़ अर्निंग करनी है। तो आप अपने फर्स्ट लेवल में जाकर देखेंगे कि भैया कौन कौन से ऐसे लीडर्स मेंबर्स हैं जिन्होंने 5 डायमंड के टास्क को कंप्लीट कर लिया, कौन कौन से ऐसे लीडर्स मेंबर्स हैं जिन्होंने 5 डायमंड के टास्क को कंप्लीट नहीं किया। जो 5 डायमंड के टास्क कंप्लीट नहीं किए होंगे उनको आप कॉल मैसेज करेंगे कि सर आपने आज का कंपलसरी टास्क भी कंप्लीट नहीं किया, आपने 5 डायमंड भी अर्निंग नहीं किया, तो कम से कम 5 डायमंड की अर्निंग कर लीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सबसे फर्स्ट में आपको कि टुडे टास्क डायमंड कि आज के उन्होंने टास्क से कितने डायमंड अर्न किए हैं, ठीक है, इस हिसाब से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकंड में आ जाते हैं, तो सेकंड में यहाँ पे कंपनी दे रखे हैं कि वॉलेट बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे आप उनका ये भी देख पाएंगे कि उनकी अभी करंट वॉलेट में कितना अमाउंट है, वो अभी जो है कितनी अर्निंग कर चुके हैं जिनका वो विड्रॉल लगाने वाले हैं। तो आपको वॉलेट बैलेंस भी देखने को मिल जाएगा कि उनके वॉलेट में कितना बैलेंस अभी अवेलेबल है, ठीक है। इनसे ये सर इंप्रेशन बनता है कि आप अपने फर्स्ट लेवल के टॉप लीडर्स या फिर जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने न्यू मेंबर्स को शेयर कर सकते हैं कि मेरे फर्स्ट लेवल पे देखिए ये बंदा है, इसकी डायरेक्ट कितनी टीम है, टोटल की कितनी टीम है, इसकी जो है वॉलेट बैलेंस कितना है, टोटल अर्निंग कितना है। थर्ड ऑप्शन कंपनी ने यहाँ पे दे रखा है कि टोटल अर्निंग, अभी तक आपके फर्स्ट लेवल में जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने कितनी अर्निंग कर ली है। टोटल अर्निंग में ज्ञानबस ये दिखाएगी कि ये बंदे अभी तक ज्ञानबस से कितनी अर्निंग कर लिया, यानी कि लाइफ टाइम अर्निंग यहाँ पे कंपनी दिखाएगी टोटल अर्निंग में कि अभी तक ज्ञानबस से ये बंदा कितनी की अर्निंग कर चुका है।
तो ये तीन चीज जो कंपनी ने दिया है ना, टुडे टास्क डायमंड, वॉलेट डायमंड और टोटल अर्निंग, इनसे आपकी फर्स्ट लेवल वाले मेंबर्स का इंप्रेशन बनता है। और इनसे क्या होता है कि आपकी एक इंप्रेशन बनती है कि मेरे फर्स्ट लेवल पे ये बंदा बेटर काम कर रहा है, इसको मैं और गाइड करूँ ताकि ये और बेटर कर सके। और जो थोड़े से मतलब वीक काम कर रहे हैं, थोड़े से कमजोर है, जिनका टीम नहीं बन रहा है, जो सही से काम नहीं कर रहा है, उनकी पूरी जो यहाँ पे आप डाटा दे के उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको हर अपडेट बता सकते हैं, उनको एडवांस रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे में कंपनी यहां पे दे रखी है कि आपके जो मेंबर्स हैं फर्स्ट लेवल पे, उसके मोबाइल नंबर और फिर व्हाट्सअप नंबर, यानी कि कॉलिंग नंबर, व्हाट्सअप नंबर, जिसके थ्रू आप उनसे कॉलिंग पे बात कर सकते हैं या फिर उनके व्हाट्सअप नंबर को सेव करके आप अपने ग्रुप में या फिर कंपनी को ऑफिशियल ग्रुप में जोड़ सकते हैं, ताकि वो एडवांस बने रहे, उनके उनको हर अपडेट का पता चलता रहे और आप उनसे डायरेक्ट अटैच में रहे, ठीक है। तो आप अपने फर्स्ट लेवल वालों के मोबाइल नंबर और फिर व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको कंपनी जो यहाँ पर डिटेल दे रखा है, ठीक है। एक डिटेल कंपनी ने और यहाँ पे दे रखा है बेटर डिटेल कि अगर आपके टीम में फर्स्ट लेवल में कोई अगर आईडी अपग्रेड करवाता है गोल्ड में, तो उसका आप एक्सपायरी डेट को देख सकते हैं। एग्जांपल फॉर, जैसे कि आपने गोल्ड आईडी में अपनी आईडी अपग्रेड कराई फर्स्ट टाइम, तो आपका 45 डेज तक वैलिडिटी रहेगा। तो आपके अपलायंस जब आपकी डिटेल देखेगा तो वो देखेगा, अरे यार ये जो है इनका तो कल के डेट में गोल्ड आईडी जो है एक्सपायर होने वाली है, तो मैं इनको बता दूं कि आपका गोल्ड आईडी जो एक्सपायर होने वाला है, फिर से आप जो है रेनवल कर लीजिए। ऐसे में क्या रहेगा कि हर अपलायंस जो है अपने फर्स्ट लेवल को गाइड करेगा, तो सातवां लेवल तक ऑटोमेटिक गाइडिंग होता जाएगा। और इसमें क्या होगा कि ऑटोपुल सिस्टम बना रहेगा, तो यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट देखने को मिल जाएगा आपके डाउनलाइन की आईडी एक्टिवेट की, ठीक है, अपग्रेड की, ठीक है। तो सबसे बेटर मुझे ये लगा कि यहाँ पे आप अपनी टीम की पूरी डाटा को देख सकते हैं, अपनी टीम की फर्स्ट लेवल की पूरी जर्नी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि उनकी जर्नी क्या है, वो कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए टू जेड चीज आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने ज्वाइनिंग कब लगाई है, वो जो है एक्टिव है या इनएक्टिव है, वो फ्री यूजर्स हैं या गोल्ड यूजर्स हैं, उनकी जो है पैक एक्सपायर कब होने वाली है, ठीक है। वो आपके फर्स्ट लेवल में जितने भी मेंबर्स हैं उनका आप ये भी देख सकते हैं कि उनके डायरेक्ट कितनी टीम है, उनकी सात लेवल तक कितनी टीम बनी है। उसके बाद आप अपने फर्स्ट लेवल वाले हर मेंबर्स का जो है डेली का अर्निंग देख सकते हैं, ठीक है। अगर वो कंपलसरी टास्क कंप्लीट नहीं करते हैं तो उनको कॉल मैसेज कर सकते हैं कि आपने कंपलसरी टास्क कंप्लीट नहीं किया है, आज का आपने 5 डायमंड कम से कम जो है वो अर्न नहीं किया। अगर ऐसे में आपका क्या होगा कि टीम से ना तो कमीशन आएगी और ना ही कंपनी जो 10 लेवल तक की इनकम दे रही है, 10 टाइप की इनकम दे रही है, वो भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सॉरी, मैंने अभी 10 लेवल बोल दिया, 7 लेवल तक का जो इनकम है कमीशन और बाकी जो 10 तरीके की इनकम है वो आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे वॉलेट बैलेंस भी आप उनका देख सकते हैं कि वॉलेट में कितना बैलेंस अवेलेबल है, टोटल अर्निंग उनका आप देख सकते हैं कि टोटल अर्निंग अभी तक आपके मेंबर्स कितने ज्ञानवर से पैसे कमा चुके हैं, उस पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आप यहां पे देख सकते हैं। तो ये एक बेटर सिस्टम कंपनी ने आपके लिए रख दी है लेवल वन के लिए, जो आप लोग का शिकायत है कि हम लेवल वन को के अच्छे डिटेल्स नहीं देख पाते हैं, ताकि अपने टीम से कॉन्टैक्ट कर सके वो हम नहीं कर पाते हैं। तो कंपनी यहां पे आपको बेटर कॉन्टैक्ट सिस्टम ने यहां पे दे रखा है, इस तरीके से आप अपने टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऊपर में आपको यहां पे दिखाई देगा शेयर योर रेफरल लिंक एंड क्रिएट टीम, कंपनी यहां पे ये भी आपको इंडिकेट करेगी कि रेफरल लिंक शेयर कर और अधिक से अधिक अपनी टीम यहाँ पे बनाइए, ठीक है। और भी कई सारे फीचर्स कंपनी धीरे धीरे ऐड करेंगी, तो ये मुझे बहुत ही बेटर सिस्टम लगा, जिससे आप अपनी टीम की एक्टिविटी फर्स्ट लेवल की देख सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं कंपनी की मेन्यू की, कंपनी के मेन्यू में क्या क्या सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, चलिए जानते हैं कंपनी का मेन्यू सिस्टम, ओके। देखिए गाइस, कंपनी का मेन्यू में ओल्ड वाला सिस्टम सी रहेगा, कुछ चीज़ें जो नए फेस थ्री आने वाले वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे सोशल लॉगिन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है टू डे टास्क का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप जो अपना सेल्फ अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा माई डायरेक्ट, आप अपनी टोटल डायरेक्ट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको माई टीम देख जाएगा, इसमें आपको पूरे 7 लेवल तक जो है टोटल आपकी टीम देखने को मिल जाएगा। उसका नया सिस्टम जो कंपनी यहाँ पर ऑटोपुल का चालू किया, उसमें आपको माई ऑटोपुल टीम देखने को मिल जाएगा पूरे 7 लेवल तक, जैसे कि मैंने आपने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे आपको माय वॉलेट देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे माएंगे तो आपको यहाँ पे रेफर एंड अर्न का सेक्शन दिख जाएगा, जहाँ पे आपका रेफर लिंक रहेगा, आप अपने रेफर लिंक को शेयर करके आप अपनी टीम को बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कंपनी दे रखा है चैट सपोर्ट, जो कि बेटर करेगी फेस टू के खिलाफ, अब आप जो है लाइव चैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें होंगी, उसके बारे में अगला वीडियो आपको बता देंगे। उसके नीचे में लॉग आउट रहेगा, आप लोग यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। तो और भी काफ़ी चीज़ें कंपनी लॉन्च करेगी धीरे धीरे, तो आपको बेटर ढंग से वीडियो बनाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही
आइकन को प्रेस करके ऑन कर लेंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो देख लें टाइम पे, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अब आप ये बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा, फेस थ्री का न्यू डेमो लुक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं आप, अपना भाई मुझे समझते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपनी पूरी टीम के साथ जो कंपलसरी रूप से आप वीडियो को शेयर करेंगे ताकि आपको पूरी टीम को ये बात समझ में आ जाए कि फेस थ्री में क्या क्या चीज़ें लॉन्च हो रही है और कैसे आपको ये सारी फंक्शन जो भी मैंने बताया उससे आपको यूज़ करना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।